मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से फ्री प्रेस जर्नल से जुड़े हुए पत्रकार नितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। नितेंद्र जी, गारंटी तो मध्य प्रदेश में भी नहीं है, लोग कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, संशय के बादल इस पर भी हैं। जो चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव अभियान जो था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें बहुत एविडेंट था, बहुत विजिबल था कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में रख करके वो चुनाव नहीं लड़ा गया। मंच पर भी दिखता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के दौरान उनकी रैलियों में जो दिखा, कई नेताओं ने यात्राएं की, उसमें शिवराज सिंह चौहान उनमें से एक थे, इकलौते नहीं थे। ये जो मॉडल है कि जब विधानसभा का चुनाव हो, चाहे कितना भी मजबूत क्षत्रप हो उस प्रदेश में, पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, इस मॉडल को ध्यान में रखते हुए ही क्या आशंका के बादल हैं कि शिवराज सिंह चौहान, भले ही लंबा अनुभव है मुख्यमंत्री रहने का, पर अभी भी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा रहा कि वही मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे? देखिए, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस समय जो स्थिति है मध्य प्रदेश की, उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि जब ये चुनाव शुरू हुआ था तभी ये साफ हो गया था कि इस बार कोई चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री का नहीं होगा। और ये मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बहुत लंबे समय बाद हुआ, क्योंकि 2018 का चुनाव में भी शिवराज सिंह चौहान चेहरा थे, 2013 के चुनाव में भी शिवराज सिंह चौहान चेहरा थे, 2008 के चुनाव में भी शिवराज सिंह चौहान चेहरा थे। तो अब यदि वो चेहरा नहीं है तो उसके बाद पूरी के पूरी बागडोर जो है वो हाईकमान के हाथ में आ गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 163 सीट भाजपा जीतेगी ये भी भारतीय जनता पार्टी नहीं सोच सकती थी। तो जब 163 सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी आ गई है, तो अब ये कहीं ना कहीं पूरी कमान जो है वो भाजपा हाईकमान के हाथ में आ गई है कि वो किसको सत्ता की बागडोर देगा। और इसमें कई नेताओं के नाम जो है वो चर्चा में है, जब क्योंकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सरकार कंटिन्यू है, मतलब राजस्थान में सरकार बदल रही है, तेलंगाना में सरकार बदल रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार बदल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार जो है वो कंटिन्यू है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक, जिसे कहें कि एक सन्नाटा छाया हुआ है, और अभी जो स्थिति बन रही है उसमें यदि कॉन्फिडेंस के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट यदि कोई नेता ऐसा लग रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री बनने को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, तो वो प्रहलाद पटेल दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज वो भोपाल आए और भोपाल में उनका विधानसभा में भी जिस तरीके से स्वागत हुआ, तो उस सारे सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सर्वाधिक कॉन्फिडेंट हैं कि अब जो है वो कमान उनके हाथ में आने वाली है। क्योंकि अगर चुनाव को देखा जाए तो जब ये चुनाव चला तो अब मतलब जो दावेदार हैं उनकी अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री हैं ही, उसके अलावा प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वीडी शर्मा हैं। तो दावेदारों की फहरिस्त तो लंबी हो गई है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, या मध्य प्रदेश की जो जातीय समीकरण है, उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी हाईकमान को यदि शिवराज सिंह चौहान के बाद कोई फिट बैठ रहा होगा तो ये हो सकता है कि प्रहलाद पटेल फिट बैठ रहे हो, हो सकता है उनको कोई संकेत भी मिल गया हो, और यही कारण दिखाई दे रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो क्षत्रिय है, बी डी शर्मा जो है वो ब्राह्मण है, तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ ओबीसी नेता के बाद किसी ओबीसी नेता को ही आगे रखना हो, तो ओबीसी नेता के बाद यदि शिवराज सिंह चौहान के बाद कोई बड़ा ओबीसी चेहरा मध्य प्रदेश में है तो वो प्रहलाद पटेल हैं। क्योंकि उमा भारती जो मध्य प्रदेश की बड़ी ओबीसी लीडर हुआ करती हैं, उनको तो फिलहाल पार्टी ने साइडलाइन कर रखा है, तो अब प्रहलाद पटेल जो है वो ओबीसी के रूप में बचे हैं। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि जो ओबीसी विधायक मध्य प्रदेश से चुनकर आए हैं, जेपी नड्डा ने कल उनकी लिस्ट जो है वो मध्य प्रदेश से मांगी है, और एक बार ये देखा जा रहा है कि कौन कौन से ओबीसी विधायक और भी चुनकर आए हैं। लेकिन ये भी एक सामने है कि अगर कोई चेहरा अभी तक ये हुआ है, जो पुराना अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो चेहरा बिल्कुल सामने आ जाता है, जैसे अभी कहें कि प्रहलाद पटेल जो है वो फ्रंट में आ गए हैं, और ये माना जा रहा है कि प्रहलाद पटेल ही शिवराज सिंह चौहान के बाद मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो जो चेहरा आगे आ जाता है या जो चेहरा सामने दिखाई देता है, उस चेहरे का बनने के, जिसे कहें कि 25% या 30% चांस तो उसी कारण से खत्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप सामने आ जाते हैं तो आपके जो विरोधी हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं, आपकी बुराइयां लेके भी लोग पहुंचने लगते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया भी भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गई है कि अब ये जब मान लिया गया कि प्रहलाद पटेल ही अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो प्रहलाद पटेल की अच्छाइयां, प्रहलाद पटेल की बुराइयां, इन सारी बातों को दिल्ली तक पहुंचाया जा रहा है।
कल जब पर्यवेक्षक आएंगे, क्योंकि परसों रविवार के दिन विधायक दल की बैठक होना है, तो कल जब ये पर्यवेक्षक आएंगे तो पर्यवेक्षकों के आने के बाद वो एक फॉर्मेलिटी यहां पर शुरू होगी कि वो विधायकों से वन टू वन करेंगे। भाजपा हाईकमान के लिए वो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि वो तो कोई ना कोई लिफाफा उनको बंद भेज रहे हैं जिसमें नाम लिखा हुआ है, जो नाम लिखा हुआ है उनको आके उसकी घोषणा करना है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होगी कि विधायकों की रायशुमारी कराई जाएगी। ये फॉर्मेलिटी ही लेकिन कहीं कोई दूसरा रूप ना ले ले, जैसा कि कहा जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है, तो मध्य प्रदेश में भी ये माना जाए कि पिक्चर अभी बाकी है। भले ही हाईकमान ने कोई नाम तय कर लिया हो, लेकिन मध्य प्रदेश में आके स्थितियां कुछ बदल भी सकती हैं, क्योंकि विधायकों की राय जो है वो मध्य प्रदेश में पहली राय जो है वो शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में जाएगी। यदि शिवराज सिंह चौहान के बाद अगर विधायकों से कोई दूसरा विकल्प पूछा जाएगा, तो मुझको लगता है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश विधायकों का दूसरा विकल्प जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर हो सकते हैं।